हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। बज चुके हैं दोपहर के 2 और अभी मैं इस रूम में क्यों आई हूँ, क्योंकि जो हम परसों से कपड़े आए हुए हैं वो लपेट के भी रखे हैं। मम्मी बोली बाहर पड़े पड़े ना फट जाएंगे, तो कपड़ों की हालत ऐसे, नवे कपड़ों की क्या हालत हुई है, इतनी मुश्किल से मंगाए हैं पंजाब से, उनको रखना भी तो पड़ेगा ना। ये रहा देखो, कोई आपको दिख रहा है नवे कपड़े कहाँ हैं? तो इनको भी सेट करके मैं अपने बैग में रखूंगी। ये रहा मेरा बैग जिसमें मैंने सब अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े रखे हैं। महंगे मीन्स जो हम बाहर पहन के आ सके, ये ब्लू वाले। तो अभी इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ, शायद मुझे टाइमलेस भी ना बने, इतना कचरा है इस रूम में। तो ये हैं सारे इम्पोर्टेंट कपड़े, और ये हैं जो हमने पंजाब जाते टाइम शॉपिंग की थी, अब ये भी इसमें ही जाते हैं। तो मैं अभी सेट कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि पूरा सेट होने के बाद कैसे लगता है। मेरे को हमेशा कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद है, मेरी हमेशा ऐसे होगी जोड़ी के साथ जोड़ी। ऑर्गेनाइज दीदी की आदत ये है कि जहाँ जहाँ जो कपड़ा ऑर्गेनाइज, देखा है ऑर्गेनाइज कभी क्या होता है। हाँ, तेरे कपड़े देख के मुझे लगता है कि तू कितना ऑर्गेनाइज है। हाँ, क्या क्या दिखाएगी? मेरे कपड़े तेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज। हाँ, मेरे महंगे है, तेरे सस्ते 500-600 है ना। तू बता कौन अच्छे से रखता है मेरे कपड़े? तो पता है ना, फिर कैमरे ऑफ करने के बाद क्या होगा। ये देखो, पूरी कुर्ता और सलवार मैंने अंदर रखती है। अब आप बोलो कि चुनिया कहाँ है? चुनिया मैं रखूंगी दूसरा, मैंने उनके लिए अलग एक बैग बनाया। तो अभी ये दुपट्टे उनमें जाएंगे। इसको बंद करके रख देते कि मम्मी बोलती है इसमें ऊपर जाती है टिड्डी, तो आपका कपड़ा खा सकती है ना मम्मी। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, इसकी सिर सर्द करके रखाती हूँ। तो ये है मेरा पूरा दुपट्टों वाला बैग जिसमें मैंने दुपट्टे रखे हैं। ये इसके हैवी वाले फुलकारी वगैरह जो पंजाब से आई है, और बाकी दूसरे नॉर्मल वाले, हर ड्रेस के हिसाब से मैंने दुपट्टे रखे हैं। तभी तो बोलती हूँ मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, मम्मी भी बोलती है, पर अब बोल नहीं रही हूँ। मर्जी से है मम्मी, इतने दिन से बोलती थी करके रखने। अब इनको रख भी देते हैं, नहीं तो इनको भी वो लग जाएंगे टिड्डी। तो हमें जल्दी से भाग भाग के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि अचानक बारिश पड़ने लग गई है। ये कब से बोल रही थी चल जल्दी से, तो अभी हमें भाग भगा के आना पड़ा ऊपर। पागल, बारिश देख कपड़े लेने। इसके फ्यूचर शिट, तूने यहाँ कहाँ कहाँ डाले बेफ को? ये देखो कहाँ डाले, मेरा फोन भी भीग रहा है। भैया तो बोल रहे हैं वाटरप्रूफ है, आज इसका टेस्ट हो जाएगा। शिट, ये रे, ये उतार रही दूसरे, और बारिश सच में बहुत है, भीग गए पूरे। आज मैंने बनाया हरलीन का फेवरेट नाश्ता, चाय और मैदे की पूरी। आप सब भी आके खा लो ये प्लेट आपकी। और मेरी बिना नाश्ते की हालत देखो क्या हो गई है। मॉर्निंग से नाश्ता नहीं मिला, मैं बहुत मुश्किल से बैठी हूँ, अभी खा के काम करेंगे। आज मैंने नाश्ता मंगाया, बट उसकी एक अलग ही फीलिंग है, क्योंकि मैंने अपने पॉकेट मनी से मंगाया, मतलब चिल्लर जमा कर करके। मेरा ये पर्स पूरा भर चुका था, पूरी मेरी चिल्लर उड़ गई, सिर्फ 600-700 रुपए बचे हैं। तो पॉकेट मनी नहीं, इसको सेविंग्स। हाँ, हम गरीबों की सेविंग ही होती है पॉकेट मनी, तो मम्मी पापा देते नहीं है बचपन से। तो आज अपने मेहनत से पैसे कमाओ का अलग ही नाश्ते का टेस्ट होगा। मैं खाती हूँ, किसी को एक पीस नहीं दूंगा, कितना सब पीस भी। मेरे साथ पता नहीं हमेशा ऐसे जोमिया करती हूँ कि फटाफट से काम करो फटाफट से, तभी मेरा कोई काम बिगड़ जाता। तो मैं फटाफट से दाल भेने के लिए रख रही थी, पूरी हरी दाल नीचे गिर गई मेरी। अभी पूरी साफ सफाई चल रही है, नहीं तो फिर पीटर लोग पता है क्या करते हैं, कच्ची खा जाते हैं, फिर उनका पेट दुखता है हमेशा। कैसे है मेरा फाइनली, अब जाके हमारा सारा काम हुआ। अब नहीं, 1.5 घंटा हो गया, मैंने कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं, धोने को वॉशिंग मशीन में धुलते रहेंगे। और हमने मॉर्निंग से वो ही खाई है पूरियां जो 4 खाई है, और उसके बाद हमने समोसा डोसा जो मंगवाया था उसमें से सिर्फ इसने एक एक पीस दिया। तो एक डोसे में से अगर हम एक 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 पीस लेंगे तो कितने बच गए, इतना सा, बाकी उसने थोड़ा सा खाया। तो अब बहुत जबरदस्त वाली भूख लगी है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं व्लॉग कैसे बना रही हूँ मुझे ही पता है, पर मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि भूख क्या चीज है। मेरे को अभी ये सूखी दाल के साथ भी दे देना, सिर्फ दाल में वो भी खा के बोलूं मैं संतुष्ट हूँ। तो कभी भी खाने को ऐसे धक्के नहीं मारने चाहिए यार, भूख लगती है, सब कुछ टेस्टी लगने लग जाता है। कब तक मिलेगा बेटा खाना?
ये खुद आज थकी पड़ी है, कल शायद हाँ 2 घंटे बाद, कल शायद इनको मॉर्निंग में जाना पड़े हिटलर को लेके हॉस्पिटल। अब देखो मॉर्निंग में क्या होता है, यही ब्लॉग बनाएगी, मैं तो शायद सो रही होंगी। ये कुछ बोल रही थी अंदर अंदर पर अभी चुप हो गई है। मॉर्निंग का ये देखेगी, मैं आपका आपको बताती हूँ। खाना वगैरह तो चुका है, आज वो लड़की वॉक पे भी नहीं गई क्योंकि वो सीरीज में इतना ज्यादा खो गई। मुझे ऐसे बहुत गुस्सा आता है, मैंने से अपना घर का काम किया, उसके बाद मैंने बोला मैं सोने जाऊंगी, फिर बोलते मेरे साथ चली गई वो ये रही ये। हाँ तो तूने उस दिन क्या किया था? बोले नहीं जाऊंगी, फिर भी गई 4:30 और अभी चल जाती तो 4:30 तो हुए। तू अभी 5 मिनट में आई सीरीज देख कर? हाँ मैंने तुझे बोला था उससे आधा घंटा, पूरा घर का काम कर दिया उसके बाद बोल रहे चल नहीं जाना था, तो अभी मैं जा रही हूँ सीधा सोने। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, आज की वीडियो में कुछ खास हुआ नहीं है क्योंकि मैं भी आज थोड़ी बीमार थी, मतलब थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इसके लिए मैंने भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, जो भी बनाया इसने बनाया। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।